हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है बंगाली स्टाइल फिश करी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रोहू फिश 400 ग्राम। इसे अच्छे से धो के साफ कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक। अब हल्दी और नमक से जो फिश के पीसेस हैं उसे अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये अब हो गया है। अब चलते हैं फिश को फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई गरम करके इसमें डाले तेल। यहाँ पे मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद एक एक करके आप फिश के पीसेस इसमें डाल दें। जब भी आप सरसों तेल से खाना बनाएं तो यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि तेल को बहुत अच्छे से गरम करना है, मतलब उसमें से स्मोक निकलना चाहिए, इतना गरम करना है। उसके बाद ही आप उसमें सब्जी या फिश जो भी बना रहे हैं उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब मीडियम फ्लेम में इसे हमें दोनों तरफ से ब्राउन होने तक पकाना है। फिश को आप जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएगा तो पलट दें और ऐसा आप एक दो बार करें और फिश फ्राई हो जाएगा। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करेंगे तो उसे पलटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये फिश फ्राई हो चुका है, इसे हम अलग से निकाल के रखेंगे अभी। और ये सारे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो जो बचा हुआ तेल है उसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च और मीडियम फ्लेम में इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक प्याज अच्छे से ना पक जाए। ग्रेवी अगर टेस्टी बनानी है तो प्याज को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप 2 मिनट तक इसे पकाने के बाद इसे एक बार चला लें। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और ज़रा सा पानी, ताकि जो मसाले हैं वो जल्दी से जल ना जाए। इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। इसे हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे हम और 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो उसका कच्चा टेस्ट है, कच्चापन है, वो निकल जाए। पर इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है। फ्लेम अभी भी मीडियम है या फिर थोड़ा सा उसे और भी बढ़ा सकते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हमें डालना होगा टमाटर। और टमाटर डालने के बाद टमाटर को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें हमने नमक नहीं डाला तो नमक डाल देते हैं अभी। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे फिश करी मसाला। ये ऑप्शनल है बाय द वे, बट अगर डाले तो अच्छा लगता है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लिया है मीडियम से। और जब आप हाई फ्लेम में खाना पका रहे हैं तो आप उसे ऐसे ही रख नहीं सकते, इसे कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो जो मसाला है वो नीचे लग जाएगा। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का फिश करी मसाला यूज़ किया है। अब और 1 मिनट तक मसाला पकाएंगे। और आप जैसे देख रहे हैं मैं कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब पानी कितना डालना है, जितना ग्रेवी आपको चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, या कम अगर ग्रेवी चाहिए तो कम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास डाला है। और जब इसमें उबाला जाएगा फिर एक एक करके फ्राई किया हुआ पीसेस आप डाल दें। और इसे हम और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम में और फिश करी बन के तैयार हो जाएगी। इसमें नमक वगैरह आप उसके बाद ही चेक करें, अगर डालने की ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं। और इसे गर्मा गर्म राइस के साथ आप सर्व करें तो ये काफ़ी एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
2 मिनट के बाद ये गैस ऑफ कर दें और इसमें हम लास्टली जो एक चीज़ है वो डालेंगे, वो है कोरिएंडर लीव्स। इसे ये देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगता है। और बस ये बन गया फिश करी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।